राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के चलते एक विदेशी महिला की शादी में अड़चने पैदा हो रही थी। राष्ट्रपति कार्यालय को पता चलते ही अधिकारियों को शादी में दिक्कत न आने और आराम से संपन्न होने के निर्देश जारी किए गए। कार्यालय के हस्तक्षेप से एक विदेशी दुल्हन की मंगलवार को यहां के एक होटल में शादी हो पाएगी। राष्ट्रपति कार्यालय ने अधिकारियों को कहा कि राष्ट्रपति के यहां के एक होटल में ठहरने के दौरान उसी होटल में हो रही शादी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। महिला ने रविवार को राष्ट्रपति भवन से ट्विटर पर शादी तय कार्यक्रम के मुताबिक होने में सहयोग की अपील की थी। राष्ट्रपति के मंगलवार को लक्षद्वीप के दौरे के दौरान रात में उनके होटल में ठहरने को देखते हुए एशले हॉल की शादी में समस्या दिखाई दे रही थी, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर राष्ट्रपति भवन को टैग करते हुए मदद मांगी। शादी कुछ महीने पहले होटल में होनी थी और यह तय भी हुआ था कि उसी होटल में शादी होगी। बाद में उन्हें पता चला कि उसी होटल में सोमवार की रात रामनाथ कोविंद ठहरेंगे। सूत्रों ने बताया कि कोविंद का सचिवालय तुरंत हरकत में आया और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उनकी सुरक्षा के कारण हॉल की शादी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कोविंद ने मंगलवार को ताज विवांता में होने वाली शादी के लिए महिला को शुभकामनाएं दी। सूत्रों के मुताबिक महिला अमेरिकी है। राष्ट्रपति भवन ने उनके ट्वीट को देखते हुए हस्तक्षेप किया। नगर के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को स्थिति का पता चला, जिसके बाद इस स्थिति का आकलन करते हुए इस व्यवस्था को सुनिश्चित की कि राष्ट्रपति का दौरा और विदेशी महिला की शादी बिना बाधा के साथ साथ हो सके। ट्विटर के माध्यम से जवाब देते हुए राष्ट्रपति भवन ने कहा कि हमें खुशी है कि इस मुद्दे का समाधान आसानी से हो गया। वहीं राष्ट्रपति कोविंद ने इस मौके पर खुशी के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। इसके बाद महिला ने राज्य के अधिकारियों और होटल के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि सम्मानीय राष्ट्रपति के आशीर्वाद से उनकी शादी हो सकेगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।